Today we will see how we can start print on demand business. So I will tell you about the platform and how you can make site on the platform in the proper way and कैसे आप कैंपेन लॉन्च करोगे, कैसे स्टोर फ्रंट लॉन्च करोगे. तो सबसे पहले जो आपका लिंक जो प्रोवाइड होगा, जो पीओडी का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का. इफ़ यू कंपेयर द बेस कॉस्ट, अगर आप बेस कॉस्ट कंपेयर करते हो अदर प्लेटफॉर्म के, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो सबसे ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म जितने भी वर्ल्ड में अभी तक अवेलेबल है. और दूसरी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी रहेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी सिमिलर रहती है प्रिंट ऑन डिमांड के, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो. हर कोई प्लेटफॉर्म गिल्डन 5000 यूज़ करेगा अपनी क्लासिक टी शर्ट के लिए, तो हर एक का क्वालिटी सेम रहता है, आपको क्वालिटी का भी कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद आपको यहाँ पे जो इट्सी का अमेजन का इंटीग्रेशन मिलेगा एंड अदर कैल्बियो ऐप्स है एंड अदर ऐप्स भी है, तो उन बहुत सारे इंटीग्रेशन. तो हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे ए टू जेड. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जब आप कोई लिंक में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म में यहाँ पर पहुँचोगे. तो प्लेटफॉर्म में आपको अपना क्या करना है, यहाँ पर जस्ट साइन अप नाउ कर देना आपको क्लिक करके. तो फर्स्ट टाइम करो तो आपको साइन अप करना है यहाँ पर से, उसके बाद जस्ट साइन अप कर सकते हो. और अदरवाइज़ यू कैन डायरेक्टली लॉग इन बाय द गूगल, आप गूगल से भी इसको लॉग इन कर सकते हो. लॉग इन करने के बाद जस्ट आप, मतलब मैंने लॉग इन कर चुका हूँ, तो लॉग इन करने के बाद आपको दोनों ही जगह आप लॉग इन हो जाओगे. जब आप जस्ट प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करोगे तो फुलफिलमेंट में भी लॉग इन हो जाओगे. तो जैसे आपको इतना सा करना है, उसके बाद जो हमारा एम रहेगा, हमको इस तरीके की साइट्स बनानी है, इस तरीके की साइट बनानी है हमको, जैसे किसी सेलर की साइट है इस तरीके की, तो हमको ये साइट बनानी है जो इसका इंटरफेस रहेगा. तो हमारा जो एम रहेगा यहाँ पे इस तरीके की साइट बनाना रहेगा. तो ये चीज़ कैसे क्रिएट करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और जस्ट ए टू जेड समझाऊंगा. तो सबसे पहले आपने जब लॉगिन कर दोगे तो आपको अपने डोमेन्स में यहाँ पर जाना है. जो सबसे पहली जो सबसे पहला काम होगा आपका, डोमेन्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक डोमेन्स दिखेगा बर्गर प्रिंट्स का, तो जैसे आपको उसको स्किप कर देना, आपको एक नया परचेज अपना डोमेन परचेज करना है ताकि आप खुद की साइट बना सको, खुद का ब्रांड नेम को पब्लिश कर सको. जैसे अब ये सेलर इनका खुद का जो साइट का नाम है गेट ड्रेस्ड है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बगर प्रिंट्स का काम नहीं आएगा. जो हमारा फुलफिलमेंट पार्टनर है, जो हमारा फुलफिलमेंट सेंटर है, जो हमारा प्रिंटिंग सेंटर, उसका नाम कहीं पर नहीं आएगा. जैसे आपकी सब जगह आपकी ब्रांडिंग होगी, तो आपको ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका ही नाम रहेगा. तो ये आपको क्लियर करना है कि आपको डोमेन परचेस करना है. जैसे ये वाली साइट है तो इसमें भी जस्ट इसका नाम है और कहीं पे भी उसका नाम मेंशन नहीं होगा बर्गर प्रिंट्स का. तो डोमेन परचेस करने के लिए आपको जस्ट क्रिएट न्यू डोमेन पे क्लिक करना है. उसके बाद जो भी वेबसाइट का नाम आप सजेस्ट, मतलब जो भी अपना वेबसाइट का नाम चाहते हो वहाँ पर लिखना है. उसका ऑफिशियल एड्रेस आप जस्ट यूके का रखना है, यूएस का रख देना, मतलब जो भी रखोगे तो आप यूएस का ही रखना बेटर है. अगर इंडिया का रखोगे तो आपका यहाँ पर शो करता है वो चीज़, तो आप इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखना. तो यहाँ पे आप उसको फुलफिलमेंट ऑफिस जो होगा आपका यूएस होगा. उसके बाद जैसे आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको जैसे लेट सपोज़ कि मैं अपनी साइट का नाम अमेरिकन कार्ट रख देता हूँ एग्जांपल के लिए, और जस्ट मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड टू डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दूँगा. उसके बाद जस्ट मैं सिंपल यहाँ पर अपना डोमेन, जो भी मेरे को अपनी साइट का नाम चाहिए वो लिखूँगा यहाँ पर, और परचेस पे क्लिक कर दूंगा. पहले ये अवेलेबिलिटी देखूंगा मैं, ये अवेलेबल है, परचेस करने पे क्लिक कर दूंगा. तो परचेस करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा. तो यहाँ पे आपको ईमेल, अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, सिटी एंड इंडिया, जस्ट आपको पेमेंट करना है. उसके बाद आपको डोमेन परचेस होगा. जो डोमेन होगा वो जस्ट 3 to 4 hours लेगा एक्टिव होने में, आपकी साइट एक्टिव होने में. उसके बाद अपनी साइट पर काम कर सकते हो. एंड जैसे आप डोमेन परचेस कर लोगे, आपको एक ईमेल जाएगा नेमचिप की तरफ से, जो भी हमारे डोमेन रजिस्टर्ड पार्टनर है उनकी तरफ से आपको मेल आएगा. तो वहाँ से आपको मेल को कंफर्म करना है. तो जस्ट इतना प्रोसेस करना है. जस्ट जब भी आप डोमेन परचेस हो जाएगा आपके नाम का, तो जस्ट आपको इस तरीके से आपकी साइट यहाँ पर दिख जाएगी. तो इस तरीके से मतलब आपकी साइट रेडी हो गई है काम करने के लिए, यहाँ पर एक्टिव टिक आ जाएगा. तो जस्ट उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हो अपनी साइट के ऊपर.